दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है कि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है। बट हमने बीच में एक दिन निकाल लिया, तो आज हम ओम्स लॉ के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, ओम्स लॉ रिलेशन बताता है हमको इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन बताता है, इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन बताता है। ओम्स लॉ होता क्या है? नॉर्मली अगर हम देखें कि ओम्स लॉ को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, तो ओम्स लॉ डेफिनेशन लिखी हुई है, द करंट फ्लोविंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको ध्यान से देखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, टू द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स जो करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में से, वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बिटवीन इट्स एंड, बिटवीन इट्स एंड्स प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम। बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि जितनी भी फिजिकल कंडीशन है वो सब सेम रहनी चाहिए, मतलब वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज हो गई तो फिर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक, मीन्स क्या कहने का मतलब है, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, वी प्रोपोर्शनल टू आई, तो वी अपॉन आई, मैंने बताया था आपको इस तरीके से, बताया था इस तरीके से भी हो सकता है कि वी प्रोपोर्शनल आई, अपन आई, और जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वी इक्वल्स टू क्या आ जाता है, वी इक्वल टू आई, और यहां पर ये आर, वी इक्वल्स टू आई आर, ये देखा हुआ है हमने। ठीक, तो वी अपॉन आई, ये जो लिखा हुआ है यहां पर वी अपॉन आई इक्वल्स टू क्या होगा, आर, नॉर्मल सी बात है, वी अपॉन आई इक्वल्स टू आर। और ये जो कांस्टेंट है, ये लिखा हुआ है कि ये जो कांस्टेंट है आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस, किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ये रेजिस्टेंस के लिए स्टैंड कर रहा है। ठीक है, मींस इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन कंडक्टर, उस जो जिस कंडक्टर में करंट था, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस था, उस कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस है। ठीक, और किसी गिवन टेम्परेचर पर, मींस सीधी सीधी बात ये समझ लीजिए कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि वी प्रोपोर्शनल टू आई या आई प्रोपोर्शनल टू वी, मींस वी इक्वल्स टू आई आर या वी अपॉन आई इक्वल्स टू आर, मींस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस को बताएगा। ये ओम्स लॉ हमने पहले की स्लाइड में भी देख रखा है। हम आगे चलते हैं, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को ध्यान से देख लेते हैं। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपरली ऑफ अ कंडक्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो रेजिस्ट करें, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो रेजिस्ट करे वो होगा रेजिस्टेंस। बात समझ में, अभी देखा था हमने ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से क्या देखा था कि आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशो है वो रेजिस्टेंस को बताता है, वो रेजिस्टेंस को बताता है। आर लिख लें इसको साइड में अपने, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ये V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक,
जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके लिए ये रेजिस्टेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिपेंड तो रेजिस्टेंस ही करेगा किसी अदर प्रॉपर्टी पर। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये भी हम देख चुके हैं कि एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, और इसका जो सिंबल है ये ओमेगा का, ये हमें पता होना चाहिए कि इस टाइप का सिंबल बनता है, ठीक। और ओम इक्वल्स टू क्या होता है, क्योंकि वी है तो वी पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट, और अपॉन करंट की क्या यूनिट होती है, एम्पियर, क्या होती है, करंट की एम्पियर यूनिट होती है, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, नॉर्मल सी बात। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, अब 1 ओम क्या होता है, 1 ओम की डेफिनेशन क्या होती है, ये भी पढ़ा है अपन ने। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड द टू एंड्स ऑफ द वायर इज 1 वोल्ट, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसमें फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर हो, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम। आई बात समझ में? तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अब जो मेन टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस पर करता है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको अपने हाथों से बताऊंगा कि रेजिस्टेंस, पहला स्टेप देखते हैं, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी भी वायर की लेंथ पर, कि किसी वायर, किसी कंडक्टिंग वायर का ही रेजिस्टेंस होगा, तो उस वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, उस वायर की लेंथ पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा लेंथ पर, अब नॉर्मली हम सोचते हैं कि किस तरीके से डिपेंड करेगा, अगर किसी भी वायर को हम लंबा कर दें, ठीक, उसकी लेंथ को बढ़ा दें, लेंथ को बढ़ा दें, अगर लेंथ को बढ़ा देंगे तो वो बीच में से कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक। उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जैसे हम उसको खींच के लंबा करेंगे विड्थ कम हो जाएगी। अब विड्थ कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में दिक्कत आएगी या आसानी से निकल जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, दिक्कत आएगी। तो दिक्कत आएगी तो यही तो रेजिस्टेंस चाहता है कि करंट का फ्लो होने में दिक्कत आए, इलेक्ट्रॉन को निकलने में दिक्कत आए। तो जैसे ही लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसीलिए आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, इसीलिए ये आर इज प्रोपोर्शनल टू एल है। आई बात समझे, पहली बात आपको ये समझ में आ गई। दूसरी देखते हैं, सेकंड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप सोचिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जैसे मैं आपको नॉर्मल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये मैंने एक ग्लास ले लिया, ठीक है, एक ग्लास ले लिया, अब ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या है ये, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकलने में आसानी होगी या दिक्कत आएगी, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकलने में आसानी होगी या दिक्कत आएगी, आसानी होगी, और आसानी होगी तो ये तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में वर्क है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में वर्क है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मीन्स एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, एरिया बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मीन्स आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। पहला क्या था, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, एल के प्रोपोर्शनल था, और 1 अपॉन ए के प्रोपोर्शनल, मतलब
ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों को मिला के लिख दे तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपोन ए, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपोन ए। ठीक है, एल ही लिखा हुआ है इसको, एल ही समझना आपको, एल ही लिखा हुआ है इसको, आप चाहो तो एल कर लो। एल इज प्रोपोर्शनल टू, ओ सॉरी, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपोन ए। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमें एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, वो कॉन्स्टेंट लगाते हैं हम रो। क्या कॉन्स्टेंट लगाते हैं? रो कॉन्स्टेंट लगाते हैं। ठीक, कौन सा कॉन्स्टेंट लगाते हैं? रो कॉन्स्टेंट लगाते हैं। अब ये रो कॉन्स्टेंट, ये जो रो है, इस रो को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। ठीक है, हेयर रो इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है तो इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को बोला जाता है रेजिस्टिविटी। क्या बोला जाता है? रेजिस्टिविटी। ठीक, ध्यान रखना इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं हमको नेक्स्ट स्लाइड में, कल करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की, और हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अपने अपने हिसाब से फिक्स होती है। इसकी ऐसा यूनिट ओम मीटर होती है। ओम मीटर कैसे होगी? जब ये रो इस तरफ जाएगा तो ये आर के पास तो कौन चला जाएगा? ए, और नीचे क्या रह जाएगा? एल। तो आर का जो ऐसा यूनिट है वो तो ओम होता है। ठीक है, वो तो ओम होती है, और एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होगी वो ओम मीटर होगी। ठीक, नॉर्मल बात समझ में आ गई आपको। अब रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस कितनी कितनी होती है, किसके बीच में होती है? कंडक्टर से, तो कंडक्टर में तो करंट अच्छे से फ्लो होता है, कंडक्टर अच्छे से फ्लो होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी। रेजिस्टिविटी कम होती है तो माइनस पावर में होती है, 10^-8 से 10^-6 तक होती है, 10^-8 से 10^-6 तक होती है, 6 तक होती है। इसी तरीके से इंसुलेटर होंगे तो इंसुलेटर में तो करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो इनमें तो रेजिस्टिविटी और ज़्यादा होनी चाहिए, तो इनमें रेजिस्टिविटी प्लस के पावर में होती है, और प्लस की पावर में भी बहुत ज़्यादा, 10^12 से 10^17 तक। सब्सटेंस विद लो रेजिस्टिविटी, जिनके अंदर लो रेजिस्टिविटी, आर बेटर कंडक्टर। जिनके अंदर लो रेजिस्टिविटी, नॉर्मल सी बात है, रेजिस्टिविटी कम होगी तो करंट को अच्छे से फ्लो करेगा तो कंडक्टर ज़्यादा अच्छा होगा, और जिनके अंदर हाई रेजिस्टिविटी होगी वो करंट को फ्लो ही नहीं करने देंगे, नॉर्मल सी बात है। तो ये था रेजिस्टिविटी। वापस से देखते हैं, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? लेंथ पर डिपेंड कर ली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर रो लगाते थे, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। उसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। कंडक्टर की कम होती है, इंसुलेटर की ज़्यादा होती है। जिसमें लो रेजिस्टिविटी होंगे वो अच्छे कंडक्टर होंगे, जिसमें हाई रेजिस्टिविटी होंगे वो बेड कंडक्टर होंगे। थैंक यू। अब हम इस रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कल क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।